हेलो दोस्तों, आज से हम इस चैनल पे नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो होगी नी पेन के बारे में, यानी घुटनों के दर्द के बारे में। अगर आपने हमारी पिछली सीरीज नहीं देखी जो पॉस्चर के बारे में थी, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। आइए तो बढ़ते इस वीडियो की ओर। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नितेश पटेल फिजियोथेरेपिस्ट आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फिजियोस्तान में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करेगा हमारे इस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करेगा ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जब कोई नई वीडियो इस पर अपलोड होगी। आइए तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। नी पेन के रीजन के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि नी ज्वाइंट क्या होता है, यानी घुटना क्या होता है, वो किस स्ट्रक्चर से बना होता है और क्या क्या चीजें उसके अंदर होती है। आइए तो पहले जानते हैं घुटना किस चीजों से बना होता है। पहले हम बात करेंगे हड्डी के बारे में। घुटना बेसिकली तीन हड्डियों से बना होता है। जो हमारा घुटना होता है वो जो ऊपर की हड्डी होती है उसे हम कहते हैं फीमर, जो नीचे वाली हड्डी होती है उसे हम कहते हैं टिबिया, और ये दोनों के बीच में एक छोटी सी हड्डी होती है जिसे हम कहते हैं पटेला। तो ये तीनों हड्डी मिला के आपका घुटना बनाती है, नी जॉइंट बनाती है। फिर जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज यानी काफी पतला और स्मूथ सरफेस होता है जो आपके जो हड्डी के एंड होती है उसके ऊपर कवरिंग जैसा होता है ताकि आपकी जो दो हड्डी है वो फ्रिक्शन ना हो और वो स्मूथ मूवमेंट कर सके ताकि एक दूसरे को घिसके वो टूटने ना लगे। अगली जो चीज है उसे हम कहते हैं मेनिस्कस। मेनिस्कस गादी जैसी होती है जो ये दो बोन्स के बीच में होती है। उसका जो मेन काम होता है कि जो हमारे शरीर का जो वजन है पूरा वो नी के ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर ले, एक ही भाग में ना आने दे, वो इवनली चारों ओर डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी और साथ ही साथ जो नी के जो मूवमेंट्स होते हैं वो काफी फ्रीली और विदाउट फ्रिक्शन होने के लिए हेल्प कर। हमारे नी में दो मेनिस्कस होते हैं, एक होता है लैटरल मेनिस्कस, लैटरल मतलब बाहर की साइड का, और एक होता है मीडियल मेनिस्कस जो कि अंदर की साइड होता है। अगर ये घुटना है तो लैटरल मेनिस्कस होगा वो ये साइड होगा, मीडियल मेनिस्कस है वो ये साइड होगा अंदर की साइड। ये तो हो गई हमारे हड्डी के बारे में। अब हम जानते हैं लिगामेंट्स के बारे में। लिगामेंट्स बेसिकली क्या होता है, ये वो स्ट्रक्चर होते हैं जो दो हड्डियों को एक साथ ज्वाइन करके रखते हैं। जैसे अगर ये दो हड्डी है तो यहाँ पे काफी छोटे छोटे लिगामेंट्स होते हैं जो ये दो हड्डियों को अपनी जगह पे रखते हैं और उसको काफी स्टेबिलिटी देते हैं। तो हमारे नी में काफी सारे लिगामेंट्स होते हैं जिनमें से आपने कुछ के बारे में सुना भी होगा। जैसे बहुत कॉमन लिगामेंट होता है ACL टेयर जो हमने काफी सुना होता है, तो वो एक ACL होता है जिसका नाम होता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। दूसरा होता है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। फिर होता है मीडियल कोलैटरल लिगामेंट जो हमारे नी के अंदर के भाग होता है। एक होता है लैटरल कोलैटरल लिगामेंट जो हमारे बाहर की साइड होता है। तो काफी सारे लिगामेंट्स होते हैं जिनका काम यही होता है कि दोनों हड्डी को एक साथ जोड़ के रखे और काफी स्टेबिलिटी दे। हर एक लिगामेंट का अपना अलग रोल होता है, वो हम हमारे आगे इस सीरीज में देखेंगे। जो अगला भाग होता है उसे हम कहते हैं टेंडन्स। टेंडन्स क्या होते हैं कि वो हिस्सा होता है जो आपके बोन हड्डी को और आपके जो मसल है स्नायु है उसको जोड़ता है। तो जैसे हमारे नी में दो बहुत ही कॉमन टेंडन्स है जिसका नाम एक है क्वाड्रिसेप्स टेंडन, जो हमारे क्वाड्रिसेप्स जो मसल्स है वो हमारे जो पटेला बोन है उस पे जाके अटैच होता है, और एक होता है पटेला टेंडन जो हमारे जो पटेला बोन है वहां से लेके टीबिया के ऊपर जाके अटैच होता है। तो ये दो काफी कॉमन टेंडन्स है। बाकी और बहुत सारे अन्य टेंडन्स है जो मैं आपको इस सीरीज में भी बताऊंगा। अगली जो चीज है उसे हम कहते हैं फैट पैड। फैट पैड बेसिकली क्या होता है कि दो हड्डियों के बीच में जैसे हमारे पटेला है और जो हमारी फीमर या फिर हमारा टीबिया है उनके बीच में फैट पैड्स होते हैं। उसका जो बेसिक काम होता है वो यही होता है कि वो दोनों के बीच में फ्रिक्शन ना होने दे और मूवमेंट जो है वो स्मूथ होने दे। अगला जो स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं बर्सा। बर्सा क्या होता है, एक जैसे हम बोल सकते हैं पानी का जो गुब्बारा होता है वैसा ही होता है, लेकिन काफी छोटे छोटे सैक्स होते हैं पानी के या फिर सैन्यूअल फ्लूइड के जो हमारे बोन्स के बीच में होते हैं ताकि जब भी कोई मूवमेंट हो तो वो स्मूथ हो और उसमें फ्रिक्शंस ना आए और रुकावट ना आए। और ये हमारे काफी नी में काफी सारे बर्सास है, जैसे प्री पटेलर हो गया, इंफ्रा पटेलर हो गया, सुप्रा पटेलर हो गया, काफी सारे है जो मैं आपको जस्ट बता दूंगा। और आखिर में हम बात करते हैं मसल्स के बारे में। ये सर वो मसल्स है जो नी के वहां आके ज्वाइन होते हैं और उसमें खत्म हो जाते हैं और साथ ही साथ नी को काफी अच्छा स्टेबिलिटी और सपोर्ट देते हैं ताकि वो यहां वहां ना हिले, वो अपनी जगह पे ही रहे और आपको चलने फिरने में काफी आसानी हो। तो इसमें जो सबसे कॉमन मसल्स है वो है क्वाड्रिसेप्स मसल्स। क्वाड्री यानी चार होते हैं, तो ये जो मसल्स है वो चार अलग अलग मसल्स होते हैं जो हमारे हिप से लेके नी तक जाते हैं और फिर हमारे पटेला के ऊपर जाके वो टेंडन के रूप में वो वहां पे ज्वाइन हो जाते हैं। तो मैं आपको पिक्चर बता दूंगा तो आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाए।
दोस्तों ये जो मैंने आपको सारा स्ट्रक्चर्स बताया ये काफी बेसिक और काफी जनरल टर्म्स में मैंने आपको बताया है, ये बहुत ज्यादा डीप में भी हो सकता है बट मैंने आपको आपके लिए काफी इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में बताया है। ये वीडियो में हमने सिर्फ ये देखा है कि नी जॉइंट किस चीजों से बना होता है। आगे की सारी वीडियोज में हम हर एक स्ट्रक्चर के बारे में हम जानकारी लेंगे, उसका क्या काम होता है, उसके कनेक्शंस क्या होते हैं और अगर उसमें प्रॉब्लम होती है तो उससे क्या आपको दिक्कत आ सकती है। तो जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है वो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि ये वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है आपके किसी फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर को हेल्पफुल हो सकती है तो जरूर शेयर करिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारे इस चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।